कमजोरियां खामियां सब में होती है, पर कई बार कमजोरी के कारण, किसी कमी के कारण, किसी खामी के कारण हम अपने सपने जीना छोड़ देते हैं। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि आप में कोई कमी है, खामी है, तो ये कहानी जरूर सुनिएगा। 1983 में अमेरिका के एरिजोना में जन्म हुआ जेसिका कॉक्स का। 10 साल की उम्र में उन्होंने अपने माँ बाप से रिक्वेस्ट की कि उन्हें ताइक्वांडो सीखना है। पहले तो माँ बाप ने मना किया, फिर उसके बाद में बच्चे की चाहत को देखते हुए उन्होंने हाँ कर दिया। 14 साल की उम्र में जेसिका दुनिया की पहली ब्लैक बेल्ट ताइक्वांडो प्लेयर बन गई। उसके बाद में उन्होंने पेरेंट्स से कहा कि मुझे स्कूबा डाइविंग सीखनी है, स्कूबा डाइविंग करना है। माँ बाप ने हामी कर दी और उसमें भी उन्होंने खिताब हासिल कर लिया। जेसिका को ऊंचाई से बड़ा डर लगता था। एक दिन वो एक छोटे से प्लेन से उड़ रही थी, तभी पायलट ने उनका डर हटाने के लिए उन्हें कहा कि जेसिका, आप कॉकपिट में आइए, मैं आपको प्लेन उड़ाना सिखाता हूं। जेसिका घबराई, पर पायलट के विश्वास से वो कॉकपिट तक पहुंची और उन्होंने प्लेन उड़ाया, हाथों से नहीं, पैरों से। क्योंकि जेसिका बचपन से ही एक बर्थ डिफेक्ट के चलते हुए दोनों हाथ के बिना ही अपना जीवन जी रही थी। जेसिका के बचपन से ही दोनों हाथ नहीं थे, पर अपने पैरों को उन्होंने अपनी ताकत बना लिया, यानी अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लिया। जेसिका को इसी महीने अमेरिका ने प्रोफेशनल पायलट का लाइसेंस भी दिया और वो दुनिया की पहली ऐसी पायलट बन गई हैं जो प्लेन उड़ाती हैं, वो भी पैरों से। दोस्तों, ये कहानी हमें सीख देती है कि कमियां खामियां हर किसी में होती है। अगर आप उनसे डर कर अपने सपने पूरे नहीं कर रहे हैं तो बहुत गलत कर रहे हैं आप। अपनी कमजोरियों से ही लड़कर उन्हें अपनी ताकत बनाकर जिंदगी में आगे बढ़िए, फिर देखिए किस तरह ये दुनिया आपको सलाम करती है। बस यही रिक्वेस्ट करूंगा, अपने ऊपर विश्वास कीजिए, तभी दुनिया आप पर विश्वास करेगी और ये दुनिया आपको सलाम करेगी। कहानी अगर पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और इस तरह की बेहतरीन कहानियों के लिए मेरे साथ जुड़े रहें आरजे रेक्स के नाम से सोशल मीडिया अकाउंट्स पर। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।